सुपर मॉडल जब हम सुनते हैं ना कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में तो एक ही नाम आता था और वो थी इफ़त रहीम साहिबा। इफ़त उमर हमारे साथ मौजूद हैं, अदाकारा हैं, सुपर मॉडल हैं, अब तो बड़ी ज़बरदस्त मेज़बान भी हैं। आप विरसा जो पीटीवी पे प्रोग्राम आता है उसमें भी इन्हें देखते रहते हैं और अब आप बिल्कुल जी सोशल मीडिया पे भी अपना एक टॉक शो भी चला रही हैं। इफ़त वेलकम टू आवर शो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू आर हियर। बड़ी वोकल आप रही हैं और ख़ास तौर पर लेट्स टॉक अबाउट द लेटेस्ट इंसिडेंट जहाँ एक बड़ा ही सेलिब्रेटेड हमारा राइटर जिसने जिसमें हमें शक था कि वो थोड़े से मिसोजिनिस्टिक टेंडेंसीज हैं, अब सब कुछ सामने रख दिया और एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको तस्लीम किया जाए और एक्सेप्ट किया जाए और मजीद हीरो बनाया जाए। मजीद हीरो बनाया जाए, क्या कहेंगी आप इस पे? तो पहले मैं उस दिन से आप यकीन करें मेरा गला बैठ चुका है और मैं इतना रो चुकी हूँ कि मुझे यकीन नहीं आया कि हमारे टेलीविजन पे ये हो क्या रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि आपका ओपिनियन डिफरेंट है, आप उससे एग्री नहीं कर रहे हो, आप ये ज़ुबान नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, आप क्या इस समाज को सिखा रहे हैं कि जिससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो आप उसको गालियाँ देना शुरू कर दें। बहुत बड़ी बात है कि आप उनकी एक लिखी हुई मूवी में काम कर रही थी अभी रिसेंटली एंड यू जस्ट क्विट, मतलब आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल कि मैं। देखिए जी मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरी मजबूरी ये थी कि मैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हूँ, काम मेरा ख़त्म हो गया। द ओनली थिंग जो मेरे जैसे आई एम नॉट अ सुपर स्टार और समथिंग, मैं एक औरत होने के तहत सिर्फ ये कर सकती थी एक इंसान होने के तहत कि अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। आई एम नथिंग टू डू विद दिस फिल्म एनीमोर। इफ़त कभी आपको पहले इस तरह शक हुआ था? मतलब जी मैंने तब भी बहुत रिएक्ट किया था जब इन्होंने हमारी इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर्स के बारे में बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की थी, मैंने तब भी रिएक्ट किया था। और आप और इंसिडेंट्स पे भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करती रही हैं, यू हैव बीन नोन फॉर दिस कि आप यू डोंट टेक ऑल दिस बिकॉज़ जो सही बात है मैं उसके साथ नहीं खड़ी होंगी तो मैं आईना कैसे देखूंगी, मेरी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट नॉट एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट रिफत, बिकॉज यहाँ पे लोगों को काम भी चाहिए होता है, लोगों को स्टार्डम भी चाहिए होता है, लोगों को आगे इन्हीं लोगों के साथ में भी काम करना होता है। मजबूरियाँ शायद मेरी ये मजबूरियाँ नहीं। अच्छा यू आर ऑब्वियसली हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप जो कुछ बातें हमें बता सकती हैं वो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जैसे कि अब इनका ये किरदार होना, अगर हम खलील रहमान कमर की ही बात कर लें, ये आवाम के सामने शायद पहली बार आया है और थोड़े से ड्रामे देख लेना आवाम को भी पसंद आ गया, ड्रामा इज अ डिफरेंट डील ऑल टुगेदर, बट रियलिटी में इंसान किस तरह फील करता है वो एकदम से अवेयर हो जाना वो भी बड़ी बात है। पहले हमारी इंडस्ट्री जो इनके साथ काम कर रही थी तब भी प्रॉब्लम्स थी जो अब हमें सुनने में आ रही है, नोबडी सेड एनीथिंग। ये अगर और हमें ऐसा शक है कि फटके अगर बात सामने ना आती तो अभी भी बड़ा एक पर्दा रखा जाता है उनके साथ, पर्दा रखा ही जा रहा है। कितने चैनल्स ने रिएक्ट किया है, वो जो इंडस्ट्री के कर्ता धरते हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो रेलेवेंट लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम ने क्या किया, पांच छह बच्चियां उठी हैं, दो तीन मेरी जैसी रिटायर्ड एक्ट्रेसेस उठ गई हैं, उसके अलावा कौन उठा। अच्छा एक चीज़ और, अगर और इसको मैं इस जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक एंड टू एक्सप्लेन माय पॉइंट, मैं पीएसएल के साथ ज़रूर करूँगी। थैंकफुली हमने ये डिवीज़न देखी है जब हम अपने क्राउड्स जिसमें ख़वातीन बच्चे लड़कियाँ लड़के सारे भरे होते हैं स्टेडियम्स, मुझे बड़ी उम्मीद मिलती है कि शायद इट इज़ अ सर्टन सोशल मीडिया क्लास जो सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं वो ज़्यादा एंटेगनिस्टिक होते हैं और वो अपने ओपिनियंस लेते हैं, जो जिसको नफरत करनी है उसको गालियां देते हैं ये वो, बट एक्चुअली हमारा माशरा जो है काफ़ी इससे मूव ऑन कर चुका है, क्या कहेंगी? क्योंकि मुझे वो डिवाइड नजर नहीं किया। अच्छा आप जाके ज़रा देखें, माहिरा को अपना डीएक्टिवेट करना पड़ा ट्विटर, वो पाकिस्तान की एक आन है, शी इज प्राइड ऑफ पाकिस्तान, कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया उस लड़की ने अपने आप को। और आपके बाल माइक पे रख रहे हैं इसलिए मैं वो कहती थी, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ा। आप मेरी ट्विटर लाइन, मैं तो कुछ हूँ भी नहीं, मुझे नहीं लोगों ने छोड़ा, इतनी गालियाँ फैमिली के बारे में, इतना इतनी नफरत, बिल्कुल और मैंने बताया था नफरत। आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे आप अग्री ना नहीं कर रहे वो अलग बात है, आप गालियाँ क्यों दे रहे हैं, आपने को एग्जिस्ट नहीं करना। हम ये कह रहे मेरा भी राइट है, आई टोटली अग्री विद यू, मतलब आप हर फेमिनिस्ट को गालियाँ निकाल रहे हैं, आप हर फेमिनिस्ट को धमकी दे रहे हैं, मैं फेमिनिस्ट हूँ, मेरी बेटी फेमिनिस्ट है, आप भी हो सकती हैं, आप भी हो सकते हैं, आप उन्हें गलीज औरतें कह रहे हैं, बड़े आदमी हैं हमारे जो के on our Twitter, on a daily basis, आप इंसाइट कर रहे हैं पब्लिक को, दे आर पुटिंग आवर लाइफ्स इन डेंजर, ही शुड नॉट बी अलाउड टू दिस। अभी आप बात कर रही थी खलील रहमान कमर साहब जो सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं उससे आपको खतरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है,
he is inciting people against us. So, yani there are laws of the country as well, जो कि ऐसी चीजों को रोका भी जा सकता है. By the way, हमारी इस बात में भी बड़ा backlash होगा. लेकिन still, some things need to be said. Once again, I will go back. ये बड़ा हमने एक जिसको कहते हैं ना एक चीज फट के बाहर निकल आना. लेकिन इस किस्म की viewpoints, thoughts. हमारी अगर सिर्फ इंडस्ट्री की बात करें नेचुरली बिकॉज यू बिलोंग टू इट तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट दैट एज वेल. क्या कहेंगी आप कि हमारे बड़े अदाकार हैं बड़े बड़े नाम हैं जो कि अब आके साइड लेने वाली जब बात आ जाती है तो फिर हमें बड़ी एविडेंटली आ रहे हैं और आई एम सॉरी टू से बट वी आर काइंड ऑफ शॉक. अहमद अली बट केस इन पॉइंट अब हम शॉक लोगों की औकातें सामने आ रही हैं. आपको ऐसा शक था कुछ दोस्तों में जो अब बोले हैं या फिर अब आपको लगा है कि ये क्या हो गया भाई? चलिए ये तो बोल दिया और इफ़त इस सवाल के साथ जोड़ना है क्योंकि एक ही सवाल है ऑलमोस्ट. ये लोग तो बोल दिए इन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी. वो लोग जो नहीं बोल रहे मुझे लगता है कि वो ज्यादा इबहाम क्रिएट करते हैं. पीपल लाइक मेविश हयात पीपल लाइक हिमायूं सईद पीपल लाइक अदनान सिद्दीकी ये जो लोग जो बड़े रेलेवेंट हैं टिल डेट इन द इंडस्ट्री और ये लोग इन लोगों की बड़ी फैन फॉलोइंग है. यही तो रेलेवेंट है तो जब ये नहीं बोलेंगे तो इसका जो लोग इनके मानने वाले हैं वो ये समझेंगे कि ये नहीं बोल रहे जनाब फिर वो तो दूसरा मौका तो ठीक है. तो ये हमें फिर मसला होता है इस बात से. आप मुझे आप हमें बताएं कि क्या मजबूरियां हैं इसी सवाल के जो लोग बोल रहे हैं जो नहीं बोल रहे हैं. तो ये आई एम श्योर काम की होंगी लोगों के पैसे लगे हुए हैं विच आई अंडरस्टैंड. अब वो फिल्म इस वाक्य से पहले की बन रही थी सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी मजबूरियां जरूर हैं लेकिन गलत को गलत कहने में कोई इसमें वो नहीं होनी चाहिए. आपको हिचकिचाना नहीं कोई ये नहीं कह रहा कि फिल्म नहीं आए चले वो बन गई है जो भी है वो तो आएगी लेकिन आप अपनी राय का इजहार तो कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल. वेल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई. आई एक्चुअली हैड बीन क्राइंग. अच्छा आई जस्ट फॉर द क्लैरिटी एंड ऑफकोर्स आवाम इस वक्त हमें देख रही है. लेट्स सपोज जी वो फिल्म जो थी वो पहले ही बन रही थी जो कि इस वक्त बन रही है और द बिग बैनर जो कि आ रहा है अब सामने बात आ गई है और तुम लोगों ने ऑलरेडी काम कर लिया उस फिल्म में पोस्ट प्रोडक्शन में हो गया जितना भी काम हो रहा है बोल दो. नोबडी इज गोइंग टू थ्रो यू आउट और इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू. एट लीस्ट व्हाट इज बिगर योर ओन पर्सनालिटी और ये इबहाम क्रिएट होता है. जब आप खामोश रहते हैं तो ये इबहाम क्रिएट होता है कि आप दूसरी तरफ हैं. ये मसला है. बस ये प्राइस तो फिर पे करनी पड़ेगी चुप रहने की. मतलब मुझे कम से कम ये मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मुझे जो गलत लगा हो सकता है मैं ही गलत हूँ. मैं कोई यहाँ पे ये नहीं कह रही कि मैं अकेले कर लूँ लेकिन जो मुझे लगा मैं अपनी बेटी को ये माशरा नहीं देना चाहती. मैं चाहती हूँ कि हाँ मेरी बेटी की जो मर्जी है वो वही कर सके और मुझे अपनी बेटी पे पूरा एतबार है. आपको क्यों अपनी औरत पे इतनी बेएतबारी है कि उसको उसके जिस्म पे अख्तियार मिल जाएगा तो वो फहाशी करेगी जाके. क्या मतलब है इस बात का? क्यों तुम लोगों ने ये समझ लिया किसी के भी बारे में कि तुमने अगर छूट दी तो शायद वो ही यही करेगी? तुम्हें क्या पता कि वो औरतें 30-35 औरतें कल हजारों औरतें थी. आप एक एक को गाली निकाल रहे हैं आप मुझे गाली निकाल रहे हैं. हद नहीं हो गई और सब चुप है. कल वहाँ पे दुपट्टे सरों पे ओढ़ के बुरकों में अबायों में हिजाब में हर तरह के मर्द तो उनकी तो बहुत बड़ी तादाद थी ना. तो आप वो बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली से एक मजदूर खातून भी वहाँ मौजूद थी एक इन्फ्लुएंशियल खातून भी वहाँ मौजूद थी सब लोग थे. और वैसे मैं एक बात बताऊँ मुझे लग रहा है कि इस तरह की बातों से इस तहरीक को बड़ा फायदा हुआ है. बहुत फायदा हुआ है लोग निकले हैं लोगों ने अपनी सपोर्ट का इजहार किया एंड दिस हैज टेकन दिस वुमन मार्च एंड एवरीथिंग टू अनदर लेवल. इट हैज मेड इट वेरी एविडेंट व्हाट द फाइट इज अगेंस्ट. तो माइंडसेट जो था ना जो कि आर्बिट्रेरीली बताया जा रहा था वो बड़ा एक शक्ल बन के सामने ही आ गया. इफ़त बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर एंड फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट कि क्या हाउ यू आर फीलिंग.